नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन एवं कोविड-19 से देश को हो रहे नुकसान का जायजा एवं समाज की वास्तविक स्थिति को देखने 6 राज्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के दौरे पर निकले ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगल सिंह आईपी अपनी मुख्य टीम के साथ दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पिछले करीब 5 महीने से आंदोलन का रास्ता अपनाए व अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर एकत्रित किसान से मिले। किसानों ने उन्हें अपनी परेशानियों व लगातार दिल्ली की सीमाओं पर पिछले कई महीनों से घर द्वार छोड़कर अपनी सरकार से मांगे पूरी करने हेतु सीमाओं पर शांतिपूर्वक लगातार एकत्रित रहने के बारे में बताया। साथ ही किसानों ने ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये भी कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम दिल्ली की सीमाओं से किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाएंगे, भले ही हम सबकी यहीं पर जान चली जाए। ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ एकत्रित किसान को देखा, जहां पाया कि किसान हाईवे पर अपनी स्थायी टाइप की आवासों को बनाकर रह रहे हैं व किसी भी कीमत पर बिना मांगे पूरी हुए वापस जाने को तैयार नहीं है। आंदोलन को चलते इतना लंबा समय हो गया और अभी अधिकांश जगहों पर ये चीज़ आ रही है कि आंदोलनकारी ज़्यादातर लौट गए, लेकिन आज हमने दबा करके सिंध बॉर्डर पर हम आए, हमने देखा तो अब जो लोग इस तरीके से आंदोलनकारी वहाँ से हम लंबे दूर तक देखते चले आए, तो हमने देखा कि पहले तो वैसे रह रहे, तब तो ये स्थाई टेंटों में और अपने जो बिल्डिंग बना के रह रहे हैं। तो अभी आपका क्या कहना है कि आंदोलनकारी सब डटे हुए हैं? जिन्हें डटे हुए हैं, जिनमें अगे पिंडा जो बंदे आंदे है, हरेक पिंड चो 10-10 बंदे ओमे बंदे आंदे है, ते सारे पक्के अपना बना रहे मकान आ दिखी जाता सब, ते जिन्ना चेर अपने मिल बाप नहीं होंगे उन्ना चेर घरे जाना नहीं। अच्छा, ये जो है दिल्ली के जो अम्बाला के लिए जो हाईवे है, मतलब सिंध बॉर्डर है ना, ये सिंध बॉर्डर सिंधु बॉर्डर तो इसमें दोनों तरफ ही हम देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के लंबा तक पूरे के पूरे ये एकदम से स्थाई मतलब बसे हुए हैं। तो ये लोग मतलब सभी से शुरू से लेकर अभी तक आप इसी तरह से आप कहां से हैं प्राजी? अभी बठिंडे जिले तो हैं। आप कहां से हैं? बठिंडे जिले। अभी देखिए, आज हम यहाँ से जो है अमृतसर की तरफ जा रहे थे, मैं सुमंगल सिंह चेयरमैन ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग, तो हमने देखा इस सिंधु बॉर्डर पर बड़ी संख्या में आंदोलनकारी पूरा जैसा आप देख सकते हैं इस तरह से मतलब बिल्कुल जमे हुए हैं, जैसे बिल्कुल स्थायी मकान बना लिया। अब हम यह देशवासियों को दिखाना चाहते हैं कि इस तरह के आंदोलन जो आज कई महीनों से चल रहा है और लोग अपने ट्रैक्टर, अपनी ट्रालियाँ, ये आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है इस तरह से बिल्कुल स्थायी तौर से यहाँ पर खड़ी की हैं और लोग बिल्कुल इस तरह से अपने जमे हुए हैं कि बिल्कुल एक तरीके से मकान जैसा बना लिया है। देखो ये जो है दिन में किस तरीके से रहते हैं, रात को सब यहाँ पर सोते हैं। तो मेरी सरकार से ये एक गैर राजनीतिक अभियान के तहत ये विनती है, किसानों की बात को सुनना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। यह किसान भी हमारे देश के ही हैं और इतनी बड़ी अगर तकलीफ उठा रहे हैं और अगर सरकार ने इनकी बातों पर अभी भी गौर ना किया तो इस सरकार का, मेरे हिसाब से जो आज मैं यहाँ की स्थिति देख रहा हूँ, इस सरकार का जाना निश्चित है। अगर सरकार रहना चाहती है तो इन किसानों की बात सरकार को सुननी ही पड़ेगी। आज हमने यहाँ पर कई किसानों से बात की, ये भटिंडा के हैं राजी, और ये लोग इतने दिनों से यहाँ पर डेरा डाले हुए, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बनाया हुआ है, स्थायी तौर से ये पाइप है, इनको पूरा वेल्डिंग कर करके बनाया है। ये जाहिर करता है कि ये अगर सालों इनको यहाँ रहना पड़ेगा तो ये सालों यहाँ पर डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। मेरी सरकार से ये अनुरोध है
कि किसानों की आवाज़ को सुनना चाहिए और जबरदस्ती या अपनी हट नहीं पकड़ना चाहिए। और अगर हट पकड़ेंगे तो आज की जो स्थिति हमने देखी है ये निश्चित है कि सरकार को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान देश के अन्नदाता हैं। और इनको गलत कहना कि ये मतलब विपक्ष की मतलब राजनीतिक साजिश के कारण से हैं, ऐसा कुछ नहीं। आज हमने सैकड़ों किसानों से यहाँ पर हमने मुलाकात की, उनसे हमने बात की, तो हमें ये लगा कि ये किसान भूखे प्यासे कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन हटेंगे नहीं। और ये गलत दिखाया जा रहा है कि किसान यहाँ से लौट गए। अब या जिस तरह से आज हमने देखा कि एक बिल्डिंग ये स्थाई ये लोहे के पाइप हैं, इनमें वेल्डिंग कर कर के पूरा ये प्लाइयों को लगा लगा करके, ये हाईवे है, एक ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के ऊपर अगर किसानों ने इस तरह की अपने जो रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, इनके ट्रैक्टर इस तरह से खड़े हुए हैं जैसे बिल्कुल एकदम से कवाड़ी हो गए हों। इन्होंने ठान लिया है कि चाहे हमारा खेती का नुकसान हो, कुछ भी नुकसान हो, अगर ये काले कानून वापस नहीं होते हैं तो हमारे बिल्कुल इसी हाईवे के ऊपर ही अड्डा होंगे। मुझे लगता है आज का ये हमारा दिखाने पर सरकार सोचेगी और किसानों की बातों पर अमल करते हुए कानूनों को वापस लेगी।